समग्र देश में रोष जोवा मळी रह्यो छे। चाइनीज वस्तुओं लोको बहिष्कार करी रह्या छे। भारत अने चीन दुश्मन होय तेवो माहोल समग्र देश में उभो थयो छे। त्यारे अमदावादना एक गुजराती परिवारे चीनी व्यक्ति पर विश्वास कर्यो छे। आ परिवारे एक चीनना व्यक्ति ने पोतानो जमाई बनाव्यो छे। आ चीनी व्यक्ति अमदावादना जमाई बनीने रहे छे। भारत चीन बॉर्डर पर सर्जायेला तनाव बाद भारत अने चीनना संबंधोमां खटाश आवी छे। आवा समय अमदावादना चांदखेड़ामां रहेता गुजराती परिवारे एक चीनी व्यक्ति पर विश्वास करी तेने पोतानो जमाई बनाव्यो छे। मणिबेन अने तेमना परिवारे एक चीनी व्यक्ति पर विश्वास करी तेमने पोतानो जमाई बनाव्यो। मणिबेननी दीकरी पल्लवी गौतमे चीनना सिचुआनमां रहेता मां हाइको साथे लग्न कर्या छे। पल्लवी अने मां हाइकोए डिसेम्बर 2016 मां लव मेरेज कर्या। हाइको छेल्ला 6 महीनाथी चांदखेड़ामां पल्लवीना घरे घर जमाई बनीने रहे छे। मेरी शादी चाइनीज नेशनलिटी पर्सन से हुई है। उनका नाम मां हाइको है। हमारी मुलाकात 2016 में श्री सिटी जो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश, वहाँ पे हुई थी। शादी दोनों फैमिली के सहमति से हुई थी। वहाँ पे भी उन्होंने उनके सब फैमिली मेम्बर्स को बताया था, तो वहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और उनको भी यहाँ पे आके पर्सनली मेरे पेरेंट्स से, मेरे रिलेटिव से सबसे मुलाकात की। उसके बाद सबको अच्छा लगा, उसके बाद सब लोगों ने अग्री किया। उसके बाद हमारी शादी 2016 में दिसंबर में हुई थी। पल्लवी चाइनीज भाषा नो अनुवाद अने इंटरप्रिटेशन नी कामगिरी करे छे। आ काम माटे पल्लवी ने समग्र देश मां जवानु थतु हतु अने चीन मां पण बिजनेस मीटिंग अने एक्जिबिशन माटे जवानु थतु हतु। 2016 मां पल्लवी ने आंध्र प्रदेश मां श्री सिटी मां चाइनीज इंटरप्रिटेशन नी कामगिरी मळी हती। श्री सिटी मां घणी चाइनीज कंपनीओ नु कोलेबोरेशन छे। ते समय राइजिंग स्टार मोबाइल कंपनी मां काम करता मां हाइको साथे पल्लवी नी मुलाकात थई। आ दरमियान बन्ने वच्चे प्रेम थयो अने लग्न करवानु नक्की कर्यु। हाइको ने तेना परिवार साथे मुलाकात करावी अने पल्लवी ना परिवारजनोए पण पल्लवी ना लग्न मां हाइको साथे करवा माटे तैयार थई गया। आखरे 2016 मां बन्ने भारतीय विधि मुजब लग्न कर्या। वो बोल रहे कि यहाँ पे सब फैमिली मेंबर्स ने बहुत अच्छे से मेरी टेक केयर कर रहे हैं, और सोसाइटी मेंबर्स जो है वो भी मुझे अच्छे से रख रहे हैं, तो घर का जैसा ही माहौल मुझे लग रहा है। હાલની પરિસ્થિતિને લઈ ચીની વ્યક્તિ માં હાઈકોનું માનવું છે કે આ રાજકીય ખેલ છે અને તેનાથી અમારા સંબંધમાં કોઈ ફરક નહીં પડે। હાઈકોને ગુજરાત ગમે છે। પલ્લવી અને માં હાઈકો લગ્ન બાદ અલગ અલગ રહે છે। માં હાઈકો ચીનમાં રહે છે જ્યારે પલ્લવી ભારતમાં રહે છે। પ્રસંગ આવે ત્યારે પલ્લવી ચીન જાય છે અને બંને એકબીજાને મળે છે। પરંતુ માં હાઈકો જાન્યુઆરીમાં પલ્લવીના ભાઈના લગ્ન માટે અમદાવાદ આવ્યા હતા। ત્યારબાદ લોકડાઉન આવવાથી તે છેલ્લા 6 મહિનાથી અમદાવાદમાં જ છે। માં હાઈકોનું ગુજરાતી નામ માહી રાખવામાં આવ્યું છે। પલ્લવી અને માં હાઈકોને આંચી નામની 2 વર્ષની એક દીકરી પણ છે। પલ્લવીની સોસાયટીના લોકો પણ માં હાઈકોને તેમના જમાઈની જેમ જ રાખે છે। ભારત અને ચીન વચ્ચેના સંબંધોમાં ભલે ખટાશ આવી છે, પરંતુ પલ્લવી અને માં હાઈકોના સંબંધમાં કોઈ ખટાશ નથી આવી। રાજ્ય સહિત દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચારો માટે આપ જોડાયેલા રહો ઝી 24 કલાક સાથે।